हेलो जी, राधे राधे, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग के साथ। और देखिए, अचानक से बारिश आ गई। कभी भी बारिश आ जाती है, वो कभी भी धूप निकल जाती है। कपड़े ऊपर फैला रखे थे धो के, सुबह फैला देते धो के, और अचानक से बारिश आ गई। तो मैं ऊपर आई थी छत पे कपड़े उतारने के लिए। देखिए, ये कपड़े उतार के मैंने खाट पे रख दिया, नीचे ले जाने बाकी है। और मीनाक्षी रिद्धि को नुहा रही है। और आज है सोमवार का दिन, सब व्रत है यार, आज सबका व्रत है। बस मिक्की और मिष्टी पापा जी, बच्चों को मतलब की छोड़, और ये है और सोनू जो बढ़ती नहीं है। तो उनके लिए खाना बनाया था मीनाक्षी ने, अरवी की सब्जी बनाई थी। तो देखिए, और रितु, गोपाल, आर्या, अंशी और लड्डू गए हुए हैं। मैं गए हैं बागड़, आज ही गई है, एक घंटा पहले निकले हैं यहाँ से। तो मैं बागड़ गई है, 3-4 दिन में आएंगे। तो देखिए, जब मैं ऊपर आई ना, मेरे पीछे पीछे बच्चे भी आ गए, स्कूल में से अभी आए हैं, दोनों स्कूल गए हुए थे। देखिए नहीं तेज आई एकदम से बारिश, ये भाई बहुत तेज, देखिए कितनी तेज बारिश आई। बैक कैमरे से दिखाती हूँ। और देखिए, बारिश के साथ साथ ना बच्चे झूल रहे। पता है ये ना मम्मी की साड़ी है, आज जुगाड़बाजी करके बच्चों ने अपने लिए झूला डलवाई लिया, रस्सी तो है नहीं, और बस मम्मी की साड़ी है, इसमें गांठ मार कर तकिया रख के कैसे झूल रहे। कल से झूल रहे हैं ये, कल थी तीजो तो कल झूल रहे थे सब बच्चे। और बारिश में देखिए भीग जाए मिकी ना बेटा, जाते दूर तक का नहीं, बारिश में भीगी वो, बुखार हो जाएगा, इन दिनों की बारिश में बुखार हो जा बेटा। और देखिए बारिश की कोई याद नहीं, अब तो इतनी बारिश आती है, इतनी आती है, धूप तो कम निकलती है, बारिश ही बारिश आती है। और बारिश के साथ साथ ना पेड़ पौधे भी हमारे बहुत अच्छे हरे भरे हो गए हैं। मैं ना 5-6 दिन में ऊपर छत पे आई हूँ, क्योंकि बारिश आ जाती है तो पौधों को पानी नहीं डालना पड़ता, तो इसी वजह से मैं ऊपर कमी आती हूँ। इन पौधों के बारने से तो मैं ऊपर छत पे आ ही जाती थी कि पौधों में पानी डाल दूँ, वरना बस ये है कि कपड़े फुलाने के लिए आ जाती है। कपड़े मैं फुला नहीं रही थी, क्योंकि रितु और मीनाक्षी मिलके कर रही थी काम, क्योंकि मेरी तबीयत खराब रहती ना, आपको पता है मेरे बुखार चढ़ा हुआ था। तो देखिए दोनों बहन भाई कितनी मस्ती कर रहे हैं, अरे कितने दंगा कर रहे हैं। मस्ती कम, दंगा ज्यादा करते हैं, छेड़छाड़ी आपस में बहुत ज्यादा करते हैं। और तुलसा माता मम्मी ने रख दी थी ना बाहर, टीन के नीचे रखती है ना ये, तो ये बाहर रखती थी बारिश में भीगने के लिए, क्योंकि बारिश का पानी तो सबको चाहिए ना। देखिए पड़ोसियों ने ना झूला डाल रखा, तो जो ऊपर छत पे अपने बरामदे में डाल रखा, अब अच्छे से झूल रहे, लंबे लंबे झूलते आते होंगे। और देखिए मैं नीचे आ गई, थोड़े से कपड़े गिल्ले हैं, वैसे तो सूख रहे, उनमें से थोड़े एक आधा ही गिल्ला था वो मैंने अलग निकाल दिया, और सूखे कपड़ों की थोड़ी देर में करूँगी तह बनाऊंगी। और देखिए कितनी तेज बारिश आ रही बाहर, बहुत तेज। रवि जी जा रहे हैं अपने काम से बाहर, और मम्मी तोड़ रही है जमे। हाँ बेटा, रिद्धि खिलावे, खिला ले, वो अभी नहाई। भैया ले रहे, आगे नीचे भैया, भैया ले रहे, चल थोड़ी देर में ले लिए, पहले उसे ले ले, ले खिला ली। कैसे कर रही है, ठीक कर नीचे? अब मैं बस फोन करके पूछने वाली हूँ उनसे कि
बुझाने भी आ रही इतनी तेज बारिश या नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है यहाँ बारिश आ रही तो बुझाने नहीं आ रही, बुझाने आ रही तो यहाँ पे नहीं आ रही, ऐसा होता है कभी कभी। तो चलिए देखती हूँ, उनसे फ़ोन करके पूछती हूँ कितनी देर लगेगी। वैसे तो बारिश अभी रुक रही नहीं, बताएंगे क्या बताएंगे कि बारिश आ रही वहाँ पे या नहीं। वैसे तो मैंने सुबह सर धोया था ना, तो सुबह कर लिया था कंघा, फिर ऐसे ही बाल गंदे हो गए थे, तो फिर मैंने दोबारा लगाया ये। आज पता है बारिश हो रही थी बहुत तेज, तो बारिश होने के बाद में ना अब जब बहुत तेज धूप निकल गई तो मैं वापस सारे कपड़े ऊपर फैला गई, क्योंकि थोड़ी थोड़ी धूप लग जाएगी, मैं थोड़े गिल्ले हो गए थे उतारने में, बहुत तेज एकदम से बारिश आ गई थी। और चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना। जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आज मैं अपनी वीडियो का एंड यहाँ पे ही करती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।